हेलो गाइस, आज मैं लव इक्वेशंस की एपिसोड नंबर 10 और 11 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम फैन जाहू को देखते हैं जो लाइब्रेरी में खड़ा साइकोलॉजी ऑफ लव की बुक पढ़ रहा होता है। तो जब श्याओ उसे बुलाती है तो वो जल्दी से वो बुक रखने लगता है। दूसरी तरफ लू को कोई लड़का बार बार तंग कर रहा होता है, तो इतने में ऊपर से शाय यीशिंग आकर ये देख लेता है और उस लड़के को मार के वहाँ से भगा देता है। फिर लू उसे यूं उस लड़के से बचाने पर उसे थैंक्स बोलती है और फिर बाद में उसे मैसेज करके डिनर पर इनवाइट करती है। उधर लाइब्रेरी में श्याओ देखती है कि कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से अपनी कैट को ढूंढने का कह रही होती है और साथ में वो ये भी सुनती है कि वो ये भी कह रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। फिर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है तो वो अपनी गुम होने वाली कैट के लिए इतनी फिक्रमंद होती है कि वो वहीं पर ही रोना स्टार्ट कर देती है। श्याओ को तो ये लगता है कि ये किसी गर्ल के लिए रो रही है और इसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दिया है और किसी और लड़की को फंसा लिया है और वो अब खो गई है, तो इसने उसे ढूंढने का कह दिया है और उस गर्ल से कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो कि अपने बॉयफ्रेंड की फ्रेंड के लिए इतनी फिक्रमंद हो। और वो लड़की उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो अपनी गुम होने वाली कैट के लिए फिक्रमंद हूँ और वो कैट प्रेग्नेंट थी। फैन साहू तो ये सुनकर स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव क्लब की प्रेसिडेंट होने के नाते वो उस लड़की को कहती है कि वो और फैन साहू उसकी कैट को ज़रूर ढूंढ कर लाएंगे। फिर क्लासेस लेने के बाद वो दोनों कैट को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो कैट कहीं भी नहीं मिलती। कैट को ढूंढते ढूंढते तो उन्हें रात भी हो जाती है और फिर एक सुनसान जगह पर कैट को तलाश करने जाते हैं। वो जगह तो बहुत डरावनी होती है। श्याओ तो वहाँ आकर बहुत डर जाती है और फैन साहू से बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो तो उसे कहता है कि हम इस कैट को ज़रूर ढूंढ कर रहेंगे। और फिर श्याओ डरने से बचने के लिए फैन साहू का हाथ पकड़ लेती है और फिर एक चीज़ से डर कर वो फैन साहू के बहुत क्लोज आ जाती है, लेकिन वो फिर से कैट को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी दौरान ही श्याओ किसी चीज़ से बहुत डर जाती है और फैन जहू को चिपक ही जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ डरने की वजह से बहुत रो रही होती है और फैन जाहू से कहती है कि अब मेरा डर सिर्फ एक चीज से खत्म होगा और वो है आइसक्रीम। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि आइसक्रीम खा रहे होते हैं और कैट को नेक्स्ट डे ढूंढने का प्लान बनाते हैं। फैन साहू जब रूम में आता है तो शाय यीशिंग उसे खुश होकर बताता है कि लू ने उसे खाने पर इनवाइट किया है। और फिर जब वो वहाँ पर साइकोलॉजी ऑफ लव की बुक देखते हैं तो हैरान होकर उससे पूछता है कि तुमने कब से इन बुक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो यहाँ पर फैन साहू उसे बता देता है कि वो श्याओ को लाइक करता है। ये सुनकर तो शाय यीशिंग काफ़ी सरप्राइज होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैन साहू जब डिटेक्टिव क्लब में बैठा होता है तो ऊपर से जिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो उससे अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने आई होती है और फिर वो फैन साहू के बहुत करीब आ जाती है। इतने में ऊपर से श्याओ भी आकर ये देख लेती है और वो काफ़ी सरप्राइज होकर फौरन से बाहर चली जाती है। फिर जिया बाहर आकर उसे कहती है कि वो इस बात का कोई गलत मतलब ना निकाले और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब श्याओ लैब में आती है तो फैन साहू उसे ये सब एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन श्याओ आगे से कोई खास तवज्जो नहीं देती और उसे कैट ढूंढने पर फोकस करने को कहती है। उधर रात को लू और शाय यीशिंग खाना खाने रेस्टोरेंट आए बैठे होते हैं और साथ में अपनी सदाबहार वाली छोटी मोटी बातों की फाइट भी कर रहे होते हैं। उधर फैन जहू और श्याओ को बहुत ढूंढने पर कैट मिल ही जाती है। फिर फैन जहू तो उसका ऑपरेशन भी करता है। श्याओ उसे ये सब करने पर थैंक्स बोलती है और उसका हाथ पकड़ कर किटन्स को छूने का कहती है।
है पेंजाहो तो उसके यूं छूने पर स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पेंजाहो को प्रोफेसर से खूब डांट पड़ती है कि उसने रूल्स के खिलाफ वर्जी की है और एक कैट का ऑपरेशन किया है। प्रोफेसर गुस्से से उसे लैब से बाहर जाने को कह देते हैं। पेंजाहो को जब बाहर पनिशमेंट में खड़ा होता श्याओ देखती है और जब उसे पता चलता है कि ये पनिशमेंट में खड़ा है तो उसे इस बात पर बहुत हंसी आती है और उसका सर दीवार में टकराता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली हंसती ही रहती है। तो उसे यूं हंसा देकर पेंजाहो भी स्माइल करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ और उसकी फ्रेंड्स एक एग्जीबिशन के बारे में बात कर रही होती हैं और वो डिटेक्टिव एग्जीबिशन होती है और ये सारी फ्रेंड्स उस एग्जीबिशन में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती हैं। फिर क्लास के बाद श्याओ जब क्लास लाइब्रेरी जाती है तो वहाँ पर अभी तक पेंजाहो नहीं आया होता तो वो काफ़ी सैड होती है। फिर वो मैम हवांग से पेंजाहो का पूछती है तो वो उसे बताती हैं कि वो प्रोफेसर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है तो इसलिए वो लीव पर है। फिर इतने में उसे काइया की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसने उसके लिए उस एग्जीबिशन के लिए टिकट ली हुई है। तो ये सुनकर श्याओ बहुत खुश हो जाती है और काइया से अच्छे से बात करती है तो काइया तो इस बात पर बहुत खुश हो जाता है। उधर लैब में पेंजाहो बैठा होता है और प्रोफेसर उससे अपोलोजाइज करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो श्याओ से नहीं मिल सका, लेकिन पेंजाहो कह देता है कि कोई बात नहीं। प्रोफेसर बाद में श्याओ को मैसेज करके लैब में आने का कह देते हैं और फिर खुद वहाँ से कोई खाना बनाकर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद श्याओ भी लैब में आ जाती है और वो वहाँ पर प्रोफेसर के कहने पर एक बुक लेने आई थी और पेंजाहो को तो पता चल जाता है कि ये सारा प्रोफेसर का ही किया धरा है और प्रोफेसर ने ही श्याओ को यहाँ पर बुलवाया है। और फिर बहुत ढूंढने पर बुक मिल जाती है और फिर पेंजाहो उससे एग्जीबिशन पर उसे अपने साथ आने को कहता है तो वो आगे से कहती है कि मैं तो काइया के साथ जा रही हूँ। तो ये सुनकर तो पेंजाहो का तो दिल ही टूट जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब श्याओ एग्जीबिशन जा रही होती है तो कोइंसिडेंसली उसकी मुलाकात पेंजाहो से हो जाती है और वो प्रोफेसर के काम से किसी और जगह जा रहा होता है। फिर वो दोनों एक ही बस में जाने लगते हैं और फिर श्याओ काइया को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि काइया अपनी क्लास में काम होने की वजह से नहीं आ रहा और ये बात उसे काइया के टीचर कॉल पे बताते हैं। तो ये सुनकर पेंजाहो उसके साथ आने को कहता है तो श्याओ हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम तो अपने काम से जा रहे थे ना। तो वो कहता है कि नहीं, वो मैं बाद में कर लूँगा। तो श्याओ कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो श्याओ हैरान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एग्जीबिशन पहुंच चुके होते हैं। उधर काइया अपने फ्रेंड से कहकर वो प्रोफेसर को बिजी करवाता है और खुद चुपके से वहां से निकलने की करता है और श्याओ को कॉल करके बताता है कि वो एग्जीबिशन पहुंच आया है। वो फिर पेंजाहो के साथ उसे लेने जाती है। काइया तो वहाँ पर पेंजाहो को देखकर काफ़ी जेलस फील करता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो दोनों श्याओ के साथ उसकी फ्रेंड्स के पास जाने लगते हैं। श्याओ भी हैरान होती है कि इन दोनों को क्या हो गया है, ये दोनों ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। उधर श्याओ की फ्रेंड्स उसी का ही वेट कर रही होती हैं तो फिर श्याओ भी पेंजाहो और काइया के साथ वहां पर पहुंच जाती है। शायद यिशिंग तो अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने में ही बिजी होता है। इतने में वहां पर जिया भी पेंजाहो को ढूंढती हुई पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे। और यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।